Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमिन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग उड़ाएंगे और उड़ा करके काइट फाइटिंग करेंगे। ये बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, मझोली की पतंग है। और आजकल पतंग बहुत मांझा बहुत महंगा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि छोटी पतंग से ही गुजारा किया जाए। पौने की पतंग फ्रेंड्स 18-20 रुपए से कम की नहीं है, बहुत ही मस्त जा रही है फ्रेंड्स। अब इसकी हम ट्रायल कर रहे हैं, अभी सर्दी से उड़ा रहे हैं, और फिर बाद में जो है इसमें हम जब पतंग एकदम देख लेंगे सही है, तो फिर इसमें हम मांझा लगा करके उड़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे निकालता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने पतंग 200 मीटर पहुँचा दिया, और अब पतंग को मैं खींच करके देखूँगा। पतंग सर्दी से उड़ाई है, अभी इसको पतंग को उतार करके मांझे से जो है उड़ाएंगे। और ये 200 मीटर पहुँच गया, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि आपको पतंग दिखाए। वाह, क्या पतंग है यार, बहुत ही बेहतरीन पतंग है फ्रेंड्स। वाह भाई वाह, कमाल का है भाई, कमाल है, खतरनाक स्पीड है इसकी। बहुत ही बढ़िया पतंग है फ्रेंड्स। ओए गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, वो देख गुब्बारा, वो सड़क से निकली गुब्बारा, वो देख गुब्बारा निकला। लपेटू इसको, क्या दो जा रहा है एक साथ। आजा 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 आजा, बहुत ज्यादा वजन पड़ गया, पता नहीं बचेगा कि जाएगा, टूटने वाली है पतंग मेरी भी। ओए क्या हो गया यार, तो ये तेरी की नहीं आता है कि नहीं आता, बहुत ज्यादा वजन पड़ गया यार। फ्रेंड्स आ गया, दोनों बिल्कुल दो दो गुब्बारे हैं, और देखिए एक में शायद शेर बना हुआ है, दूसरा पता नहीं क्या बना हुआ है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया यार, आ गया आ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो गुब्बारे, दो। ओए मजा आ गया है यार, ये तो बहुत ही मस्त है, बड़ा प्यारा सा है, दिखाना पास आकर के दिखाना। ये देखिए फ्रेंड्स, पतंग को तो हमने ट्रायल करने के लिए उड़ाया था, और देखिए दो दो आ गया एक। देखिए ये है, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको,
छोटा भीम, और ये देखिए फ्रेंड्स टाइगर और ये छोटा भीम। अब ये क्या करें, इसको हम किसी बच्चे को दे देंगे फ्रेंड्स, दो दो एक साथ, ये दोनों ही एक ही रस्सी में बंधा हुआ था फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों एक ही रस्सी में बंधा हुआ था, एक ही धागे में बंधा हुआ था, और लग रहा है किसी बच्चे के हाथ से छूट गया है या तो जो बेचने वाले हैं उनका छूट गया है। और नीचे ही यहाँ पे मार्केट है, मार्केट के पास बलून वाले आते रहते हैं अक्सर और वो सेल करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे खरीदते हैं। फ्रेंड्स पतंग तो बहुत उड़ाई है, देखिए आज हमारे को ये मिल गया, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग रख देते हैं और किसी बच्चे को दे देंगे। हमारे घर अक्सर बच्चे आते रहते हैं, इधर पार्क में भी बहुत बच्चे खेलते रहते हैं शाम के वक्त। फ्रेंड्स अभी मैंने इस पतंग को ट्रायल के लिए उड़ाया था और ट्रायल करते करते क्या हुआ, हमारे हाथ दो दो गुब्बारे लग गए फ्रेंड्स, और एक वो पता नहीं क्या छोटा भीम और एक वो टाइगर वाला गुब्बारा लग गया फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त था फ्रेंड्स। इससे तो हमने काइट फाइटिंग करनी थी लेकिन काइट फाइटिंग की जगह क्या हुआ कि गुब्बारा फाइटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम इस पतंग को रख दे रहे क्योंकि इस पतंग में ना थोड़ा सा कमची लग गया है और कमची कुछ ज़्यादा ही लग गया तो एक तरफ गिर रहा है, तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी पतंग उड़ाएंगे और उससे काइट फाइटिंग करेंगे। हालांकि मेरे को पहले इससे काइट फाइटिंग करना था इसीलिए इसकी ट्रायल कर रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा जो है इसका कमची ज़्यादा मुड़ गया है, तो ये पतंग फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड को जा रही है, तो हम दूसरी पतंग उड़ाते हैं, उड़ा करके लड़ाते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ा रहे हैं और उसको रख दिया, वो वहाँ पे रख दिया, और अब इसको हम लोग उड़ाएंगे, उड़ा करके जो है काइट फाइटिंग करेंगे। फ्रेंड्स मांझा इस पे पहले का ही बचा हुआ है और ये गया, मस्त पतंग है ये भी फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा सा है और ये जाएगा और दूर जा करके काइट फाइटिंग करेगा, आप लोगों को दिखाएगा। ओए टूट गई यार, दर्द तरीकी, ओ माय गॉड, बैड लक। बैड लक फ्रेंड्स, टूट गई पतंग। फ्रेंड्स बैड लक, पतंग तो बहुत मस्त थी लेकिन टूट गई, और ये देखिए यहाँ पे खुड़की लग गया था, और अभी भी हमने कुछ दिन पहले अभी दो चार दिन पहले भी एक पतंग को लपेट के लाए थे फ्रेंड्स, उसी का ही खुड़की लग गया होगा और पतंग चली गई, होममेड काइट गई। तो फ्रेंड्स अब क्या करें, तो चलिए अब दूसरी पतंग उड़ाते हैं, और ओपोनेंट की पतंग देखिए दो तीन पतंगें हैं, सामने भी पतंग है और हवा की स्पीड बहुत अच्छी है, तो चलिए दूसरा पतंग उड़ाते हैं और लड़ाते हैं। फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा गुड लक भी है और बैड लक भी है, क्योंकि आज हमने दो दो गुब्बारे लपेटे और गुब्बारे लपेट करके मैं नीचे ले गया, और उसके अलावा जो है हमारी जो है बैड लक ये है कि बैड लक हमारी जो होममेड काइट थी वो अपने आप ही टूट के चली गई। अभी देखिए ये दूसरी पतंग उड़ा रहा हूँ, कहीं ये भी ना टूट जाए, और ये गई। ओ हो ये भैया, आज हवा भी कुछ कह रही है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं कैमरामैन को बोलता हूँ DSLR निकालें और आपको काइट फाइटिंग दिखाए। देखिए फ्रेंड्स लड़ने जा रहा है, और ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से लड़ाएगा, मैं नीचे से लड़ाऊंगा। काट दी काट दी काट दी काट दी काट दी, वो देखिए जा रही है झूमती हुई, वो देखिए लटक मटक झटक पटक करती हुई जा रही है। देख लाया सौरभ, वो काटी, वो गई, वो गई। फ्रेंड्स इसकी भी उड़ा दी, ये पीछे से उड़ करके आया था, इसका भी सफाचट कर दिया, गंजा कर दिया इसको भी, वो देखिए। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और
एक्चुअली वहाँ पे दो दो पतंग हो गई, एक बीच में भी पतंग उड़ा ली फ्रेंड्स, ये दिक्कत आ रही है। ओ एक बीच में भी किसी ने पतंग उड़ा दी है। ओहो कट गई फ्रेंड्स, माइंड डिस्टर्ब हुआ और पेज कट गया। फ्रेंड्स अब हम लोग ये वाली पतंग उड़ाएंगे और इससे काइट फाइटिंग करेंगे। और ये जो पहले इससे पहले वाली जो मेरी पतंग कट गई फ्रेंड्स, वो धोखे से कट गई, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जिस पतंग से लड़ा रहा था फ्रेंड्स, उससे न लड़ करके दूसरे वाला पतंग नीचे से आ गया और उसने फ्रेंड्स पूरा खींच लिया और खींच करके काट दिया। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग उड़ा देते हैं और उड़ा करके काइट फाइटिंग करते हैं। और ये गई हमारी होममेड काइट, ये भी फ्रेंड्स होममेड काइट है और बहुत ही मस्त है, जा रही है। देखिए कितना टनाटन जा रही है, एकदम शांत के साथ जा रही है। पुमा पुमा जिंदाबाद। ये बढ़िया पतंग है फ्रेंड्स, इससे पहले वाली होममेड काइट टूट गई मेरी। अब मैं DSLR कैमरा निकालने के लिए बोलूँगा कैमरामैन को, आपको DSLR से दिखाए। फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रहा है और ये जो डाउन हुई, मैं लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ, अपने राइट हैंड साइड से लड़ाएगा। इधर भी पतंग उड़ रही फ्रेंड्स, माइंड डिस्टर्ब हो जाता जब सामने से कोई पतंग उड़ करके आती है ना यार, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं यार क्या लड़ाऊं, ओ यार रात करेगी, बैड लक में ही बैड लक चल रहा है, गुड लक कुछ हो ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स मेरी होममेड काइट कट गई और अभी ये मार्केट की पतंग उड़ा रहा हूँ और ये गई। ख़राब है फ्रेंड्स, पतंग को अभी उतार करके सही करके फिर उड़ाता हूँ, पतंग बिल्कुल ख़राब है। ये देखिए फ्रेंड्स एक पतंग ऊपर से आ गई, अरे यार हाथ से ही काट रही है, काट दी, झप मार करके काटा इसको। कई बड़े तंग करने वाले भी आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और मैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा हूँ। ओपोनेंट पता नहीं शायद नीचे से लड़ाएगा, क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। बचा ले गया, बड़ा पावरफुल ओपोनेंट है भाई।
ला रहा है नीचे से लड़ाएगा। काट दी फ्रेंड्स, बहुत देखे जा रही है, नीचे से आ गया था। फ्रेंड्स अब हम लोग पतंग उतार ले रहे हैं और आज बहुत ही बैड लक था। एक तो हमारा जो टेबल लैंप वाली काइट थी वो टूट करके चली गई अपने आप, उसके अलावा जो पूमा वाली काइट थी फ्रेंड्स वो कट गई और उस पर झोल लग गया। उसके अलावा मार्केट की भी एक पतंग कट गई फ्रेंड्स, मैं लड़ा किसी और से रहा था, कोई नीचे से और आ करके खींच गया। बहुत अच्छा ही स्कोर नहीं गया फिर भी ओवरऑल चलेगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि दो गुब्बारे हाथे आ गए। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी पतंग उतार रहा हूँ और काफ़ी दूर है मेरी पतंग, लेकिन इस चरखी का मेरे को ये बेनिफिट है कि मेरी ये चरखी से फटाफट पतंग उतर आती है, चाहे कितनी भी हल्की पतंग हो चाहे कितनी भी भारी पतंग हो। ये देखिए अब ये गुलाबी सद्दी उतरने लग गई, अब 5 मिनट में उतर जाएगी फ्रेंड्स मेरी पतंग, क्योंकि इस चरखी की बैलेंस बहुत अच्छी है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। अभी आपको पूरा उतार करके हम दिखाते हैं पतंग को। फ्रेंड्स देखिए सद्दी मंजे का गीट आ गया और बहुत क्विक लपेट रहा, आप देखिए इसमें दिखेगा आपको, ये देखिए सद्दी मंजे का गीट आ गया और कितना क्विक उतार रहा है इस पतंग को। इस चरखी की खासियत यही है कि बहुत दूर की पतंग को भी बहुत जल्दी उतार देता है फ्रेंड्स। अब ये पतंग उतरने वाला है, अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा। 300 मीटर और उतारना है फ्रेंड्स मेरे को, क्योंकि ये 300 मीटर मांझा लगा था, इसमें पेच लड़ा था 500 टू 600 मीटर्स पे। एक ये सामने पतंग उड़ गई, इससे भी लड़ा दूँ? चल लड़ा देता हूँ यार। ओहो, ये तो चाइनीज़ मंजे से उड़ रहा था फ्रेंड्स, चाइनीज़ मंजे से उड़ रहा था फ्रेंड्स, जब ये कटा नहीं देखी, इतनी देर बाद कटा। फ्रेंड्स देखिए पतंग बिल्कुल उतरने वाली हो गई है और कितनी क्विक उतर रही है, आप पतंग को दिखाइए। ये देखिए हमारी पतंग उतर आई, 3-4 पेच काट दिया, एक पतंग को फाड़ भी दिया, एक पीछे से पतंग फ्रेंड्स हाथ से काटना आ रहा था उसको हमने फाड़ दिया। ये देखिए हमारी पतंग उतर गई। तो फ्रेंड्स आज का ये रहा वीडियो, और वीडियो में आज क्या नुकसान हुआ, नुकसान ये हुआ कि हमारी दो पतंग जो होममेड गाइड थी एक टूट के चली गई और एक कट गई। और फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ है फ्रेंड्स इसको लपेट करके लाए हैं हम, और जिस पतंग से लपेटा था मैंने फ्रेंड्स वो पतंग हमने ट्रायल के लिए उड़ाई थी, और ट्रायल के लिए उड़ाया इतने में मार्केट में से फ्रेंड्स दो गुब्बारे यही दोनों उड़ करके जा रहे थे और एक ही धागे से बंधा हुआ था फ्रेंड्स, और ये लपेट करके आ गया। तो फ्रेंड्स मेरे आज की इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लाइट सोमेन घोष। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।